ओबीसी आरक्षण के लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इस संदर्भ में विचाराधीन राहुल वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरण में महासंघ ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इस याचिका में महाराष्ट्र में आरक्षण की 50% मर्यादा का पालन करने हुए ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के वकील महासंघ के सलाहकार अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने याचिका पर प्रकाश डाला। महासंघ की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में पिछले वर्ष सितम्बर में जारी अध्यादेश योग्य है, उसे कायम रखने की गुहार लगाई गई है। ती त्यांनी स्टेटवर जी टाकलेली आहे ती सुद्धा संविधानाच्या आर्टिकल 340 प्रमाणे चुकीची वाटते, कारण आर्टिकल 340 म्हणतो की ओबीसी जे आहेत अदर बॅकवर्ड क्लासेस किंवा बॅकवर्ड क्लासेस यांच्याबद्दल अभ्यास करणे, अभ्यासाअंती जे क्लासेस आहेत त्यामधनं जातींना त्या लिस्टमधनं बाहेर काढणे किंवा ॲड करणे हे अधिकार सर्वोपरी माननीय राष्ट्रपतींनी अपॉइंट केलेल्या आर्टिकल 340 खालील कमिशनला राहील। तर प्रश्न असा या जजमेंट्स नंतर आपच्या समोर असा उद्भवला की जर राज्य शासनाने याचा अभ्यास केला आणि त्या लिस्टमध्ये काही जाती वाढवल्या किंवा कमी केल्या किंवा कुठल्या क्लासेस ऍड केल्या तर ते आर्टिकल 340 विरुद्ध जाईल। पत्र परिषद में ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे, वकील महासंघ के अधिवक्ता पुरुषोत्तम पाटिल, अधिवक्ता किशोर लांबट मौजूद थे। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती। इस संदर्भ में प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर चुका है। यह विषय अब महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र से सौतेला व्यवहार परत रही है। शुरू करने साठी त्यांनी अभ्यासांती ही याचिका दाखल केली आहे। मी 2 दिवसांपूर्वीच आयोगांना आम्ही राज्य सरकारतर्फे पत्र लिहू, इम्पेरिकल डेटा कलेक्ट होतपर्यंत माहिती येतपर्यंत एंटरिंग डाटा आम्हाला द्या अशी आम्ही विनंती आयोगाला केलेली आहे। कारण सुप्रीम कोर्टामध्ये 17 सुनावणी आहे आणि 17 इंटरिम डाटा आमच्या उपलब्ध असला तो आयोगाचा असला तर त्यावर नक्की प्रभाव पडेल असं आमचं मत आहे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न केला आहे। एक खरं आहे की आपल्याला माहीत आहे 16-4 आणि 15-4 दोघांचा शब्द फक्त वेगळा आहे पण अर्थ एकच व्हायला पाहिजे आणि तो अर्थ एक लावला असता तर हा प्रश्न राहिला नसता। पण माननीय केंद्र सरकारने सुद्धा एक जे नव्यानं एफिडेविट दिला आता सुप्रीम कोर्टात की इम्पेरिकल डेटा गोळा करायसाठी आणि ओबीसीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती आणि डेटा मिळवण्यासाठी वाढलेली मागितलेली मुदत, हीच जर मुदत राज्य सरकारच्या याचिकेच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिली, सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने जर तशा प्रकारचा एफिडेविट दिला असता तर 105 नगरपंचायतीतील ओबीसीच्या आरक्षणाला वाचवता आला असता। मध्य प्रदेश में जब ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा था तब केंद्र सरकार ने प्रतिज्ञा पत्र पेश कर रहा था कि 4 महीने में डाटा जुटाना संभव नहीं है, किसी भी सरकार ने डाटा संग्रह नहीं किया है। महाराष्ट्र में अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने काम आरंभ कर दिया है। उन्होंने जब तक डाटा नहीं जुट जाती तब तक 50% आरक्षण की मर्यादा का पालन करते हुए ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, PCN न्यूज, नागपुर।